इतने अच्छे अच्छे शायर पोइट मौजूद है, उनके बीच मुझे लग रहा है मैं भी तो पोइट्री कुछ भी नहीं होने वाली है, लेकिन देखते हैं आपको पसंद आएगी। अल्फाजों में है वो ताकत कि क्या समझेगा कोई, अल्फाजों में है वो ताकत कि क्या समझेगा कोई, मरहम है अगर जाकर तो सुलगते शोले हैं अगर जाकर। अल्फाजों में वो ताकत है कि क्या समझेगा कोई, मरहम है अगर चाहो तो सुलगते शोले हैं अगर लड़का। इसी के साथ मैं अपनी एक नज़्म पेश करने वाली हूँ आपको, जिसका मैंने टाइटल रखा है पलके। ये पलके ही तो है जो एक पर्दा बनकर छुपा लेती है रूह के जख्म, ये पलके ही तो है जो एक पर्दा बनकर छुपा लेती है रूह के जख्म, ये पलके ही तो है जो एक आड़ बनकर बचा लेती है हमें बेपर्दा होने से, ये पलके ही तो है जो एक पर्दा बनकर छुपा लेती है रूह के जख्म, ये पर्दा ही तो है जो एक आड़ बनकर हमें बचा लेती है बेपर्दा होने से, ये पलके ही तो है जो झुका कर कह जाती है हजारों बातें दिल की जो जुबान न कह सके, ये पलके ही तो है जो झुका कर कह जाती है हजारों बातें जो जुबान न कह सकी, ये पलके ही तो है जो छुपा लेती है आंसुओं को इस तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये पलके ही तो है जो आड़ बनकर बचा लेती है दिल को बेपर्दा होने से, ये पलके ही तो है जो झुका कर कह जाती है हजारों बातें जो दिल की जुबान न कह सकी, और ये पलके ही तो है जो छुपा लेती है आंसुओं को इस तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये पलके ही तो है जो ले जाती है हमें नींद की आगोश में इस तरह जैसे हजारों फिक्रों को बुलाए एक सुकून भरी दुनिया, ये पलके ही तो है जो ले जाती है हमें नींद की आगोश में ऐसे जैसे हजारों फिक्रों को बुलाए एक सुकून भरी दुनिया, बस ये पलके ही तो है। दूसरी मेरी पोइट्री है, ये इससे रिलेटेड है दैट कुछ लोग जो हैं बहुत सच्चाई से अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने आप को एस्केप ढूंढते हैं अपनी आंखें मूंद कर या फिर उस चीज़ों से बचने के लिए रियलिटी को फेस ना करके वो कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव सोच लेते हैं ताकि वो उस चीज़ से कुछ वक्त के लिए बच पाए, लेकिन लास्ट में उनके पास कोई चांस ही नहीं होता क्योंकि वो रियलिटी है, उससे वो बच ही नहीं सकते। तो ये उसी से रिलेटेड है कि हम किस रियलिटी से, हम सच्चाई से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते, बिल्कुल भी आँख नहीं बंद कर सकते, ये सच्चाई है। क्या सच्चाई से मूंद और क्या सच्चाई से मुंह फेरने से सच बदल जाएगा, क्या सच्चाई से मुंह फेरने से सच बदल जाएगा, क्या दिल में दफन जज्बात छुपाने से वो कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्या सच्चाई से मुंह फेरने से सच बदल जाएगा, क्या सच दिल में दबे दफन जज्बात छुपाने से वो कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्या आंखों को मूंद के हकीकत से कोई छुप पाएगा, क्या आंखों को मूंद लेने से हकीकत से कोई छुप पाएगा, क्या कानों पर हाथ रख कर वो बे आवाज चीखों को कोई अनसुना कर पाएगा, क्या कानों पर हाथ रख कर वो बे आवाज चीखों को कोई अनसुना कर पाएगा, क्या अल्फाजों को दफन करके आंखों से बयां हो जाने वाली वो बे अल्फाज बातें बयां ना हो पाएंगी, क्या अल्फाजों को दफन करके आंखों से बयां हो जाने वाली वो बे अल्फाज बातें दफन हो जाएंगी, तो ये भी बता दो, तो ये भी बता दो, क्या वक्त अपनी मर्जी से घूमने से वक्त का पहिया घुमाने से रुक पाएगा, तो ये भी बता दो, क्या वक्त अपनी मर्जी से घुमाने से
क्या वक्त का पहिया घूमने से रुक पाएगा और क्या इन सवालों के कोई भी कभी जवाब ढूंढ पाएगा। मैं जस्ट लास्ट में अपनी ये पोएट्री यहाँ पे खत्म करना चाहूंगी दैट अभी सोसाइटी में काफी मसले हो रहे हैं सबको लेके, तो मैं जस्ट एक मैसेज छोड़ना चाहूंगी दैट हम सब ह्यूमंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमें ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ साथ चलना चाहिए, एक दूसरे के आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये उसी से रिलेटेड है, जैसे हर एक रंग गुनगुनाता है अपना ही नगमा, जैसे हर एक रंग गुनगुनाता है अपना ही नगमा, हम भी गुनगुनाओ चले, हम भी गुनगुनाए चलो, ऐसा ही एक प्यारा सा नगमा। जैसे हर एक रंग गुनगुनाता है अपना ही नगमा, हम भी गुनगुनाए चले, ऐसा ही एक प्यारा सा नगमा। मोहब्बत से एक दूसरे के दिलों में, मोहब्बत से एक दूसरे के दिलों में बसा ले घर कहीं घर अपना, मोहब्बत से एक दूसरे के दिलों में बसा ले कहीं घर अपना, रखे ख्याल एक दूसरे का इस तरह, और रखे ख्याल एक दूसरे का इस तरह कि मिटाए ना मिटे ये प्यार से जज्बा।